इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और सवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्रिक संस्थान पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद मोहल्ला तलियन टोला तंबोर जनपद सीतापुर। आई मोहम्मद दिलनवाज गौरी, डिप्यूटी मैनेजर ऑफ पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्टेक्ट अस फॉर योर चॉइस ब्राइट फ्यूचर। सीतापुर के कस्बा तंबोर में गांजर के गांधी कहे जाने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुख्तारनीस के आवास पर सपा नगर अध्यक्ष पूर्व सभासद जावेद खान व लहरपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद खान के द्वारा सपा मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अखिलेश यादव के जन्मदिन पर केक काट कर व नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने व संगठन को मजबूत करने, हर समाज एवं वर्ग के लोगों को संगठन से जोड़ने के साथ साथ देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सामाजिक न्याय की रक्षा करने एवं सांप्रदायिक एवं फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने के साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं नेताजी के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शुरू हुए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलाए जा रहे पीडीए वृक्षारोपण पखवाड़े के तहत गांव-गांव में पीडीए पेड़, नीम, बरगद और पीपल लगाने का भी संकल्प लिया। इसी क्रम में आज नगर में सपा नगर अध्यक्ष पूर्व सभासद जावेद खान व लहरपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद खान ने पीडीए पेड़, नीम, बरगद, पीपल लगाकर और केक काटकर इस पखवाड़े की शुरुआत की। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद कलीम खान विधानसभा सचिव, हबीब खान, शमीम खान, सलमान खजीर, शोपाल यादव, फैजान अशरफ, उस्मान खान, कमरुद्दीन हाशमी, मुस्लिम खान, आरिफ कुरैशी, फरहान गौरी समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 9 लाइव टीवी के लिए आशीष कुमार गौड़ की रिपोर्ट। आज आपने अपने साथियों के साथ में सपा मुखिया अखिलेश यादव का केक काट करके जन्मदिन मनाया है, किन उम्मीदों के साथ में जन्मदिन मनाया है? सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जिए हजारों साल, साल के दिन हों 50,000। और जो अभी आपने कहा है कि किन उम्मीदों के साथ जन्मदिन मनाया है केक काटकर, तो हमने केक ही नहीं काटा है। सबसे पहले तो हम अस्पताल गए, मरीजों को फल वितरित किया, बिस्कुट बांटे, पानी दिया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार हमने पौधों को लगाया है। उसके बाद हमने केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया है। और रही बात उम्मीदों की, तो उम्मीद जनता ने सामने दिखा दिया है। जनता ने हमको 37 सीटें जितवाई हैं, हमारे गठबंधन को 44 सीटें दी हैं। इससे साफ साफ दिख रहा है कि हमारी उम्मीदें, हम जनता के ऊपर खरे उतर रहे हैं, जनता की उम्मीदों को हम पूरा करेंगे और जनता हमसे अपनी उम्मीदें लगाए बैठी है। क्या लगता है जो आपकी उम्मीदें हैं वो हकीकत में 2027 के चुनाव में सच में तब्दील हो पाएंगी? बिल्कुल नफीस भाई, उम्मीदें जनता ने हमको दिखाया है, जनता ने हमको हमारी उम्मीदें और बढ़ाई हैं। हमको इतना वोट देने के बाद, इतना सपोर्ट देने के बाद जनता से हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई हैं और जनता की जिम्मेदारी हम पर बढ़ गई है, हमारी पार्टी पर बढ़ गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बढ़ गई है। उनको संविधान भी बचाना है और उनको लोकतंत्र भी बचाना है, इसलिए अब हम लोग जुट गए हैं आने वाले 27 के चुनाव के लिए। और जनता ने भी मन बना लिया है कि 27 के चुनाव में जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और जो भी 17 से रुके हुए विकास कार्य है उनको 27 में पुनः चालू करने का मौका देगी। आज आपने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाया है, किन उम्मीदों के साथ में मनाया है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से सभी समाजवादी साथियों के साथ मनाया है। अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया, पेड़ पौधे लगाए, सभी समाजवादी साथियों ने एक एक पेड़ लगाने का कार्य किया है और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि वो हजारों साल जिएं,